अब भारत के वीआईपी बेड़े में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एयर इंडिया बन विमान का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एयर इंडिया बन आज दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंच रहा है। इस विमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी उड़ान भरेंगे। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए दो बोइंग 777-300ER विमान लगभग तैयार हो गए हैं। इसे वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। ये विमान कई चीजों के लिए बेहद खास है। एयर इंडिया बन अग्रिम और सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है। हैक किए गए या टैप किए बिना हवा में ऑडियो और वीडियो संचार फंक्शन हो सकता है। हालांकि इन दोनों नए विमानों का मेंटेनेंस एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इन वीवीआईपी विमानों की आपूर्ति पहले जुलाई में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी। फिलहाल देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के 2747 विमान से यात्रा करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी लोगों द्वारा इस्तेमाल होने वाले इन विमानों को एयर इंडिया बन कहा जाता है। अधिकारियों ने बताया है कि अब 2747 विमानों का इस्तेमाल वाणिज्यिक परिचालन के लिए किया जाएगा। इस विमान में तीन तरह के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से दो रंग अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन से मिलते जुलते हैं। सूत्रों का कहना है कि बोइंग 777 में जो रंग इस्तेमाल किया गया है, इनमें सफेद, हल्का नीला और नारंगी रंग है। हल्का नीला और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया है, वहीं नारंगी रंग की हवाई जहाज के बीच में लाइन दी गई है। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। एयरफोर्स वन 3500 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में ये विमान 6800 मील की दूरी तय कर सकता है। विमान अधिकतम 45100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान के उड़ान के दौरान प्रति घंटा $181,000 यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1,30,00,000 रुपए का खर्च आता है। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। बेहद सेफ इस जहाज के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो दुश्मन के रेडार सिग्नल को जाम कर देता है। इस पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होता। खबरों के अनुसार इस विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होगी। साथ ही ये विमान एक बार में भारत से अमेरिका तक की दूरी के बीच उड़ान भर सकेगा। इस विमान में ऑफिस और एक मीटिंग रूम भी होगा। इसमें मिरर बॉल सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। ये आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइलों को भी भ्रमित कर सकता है। इस विमान की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।